स्टूडेंट्स ये क्लास टेंथ चैप्टर टू पॉलीडोमियल्स की एग्जाम्पल थ्री है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं फाइंड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज एंड दफिशियंट्स ठीक है आपने ये जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास इसका जीरोज़ फाइंड आउट करने है और साथ में जो जीरोज़ और कॉफिशियंट है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है राइट तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ रही है टू आ रही है क्योंकि हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है दैट इज टू ठीक है डिग्री ऑफ पॉलिम टू है दैट कि हमारे पास इस इक्वेजन में जो जीरो आएंगे पोलिनोम के वो भी दो होंगे राइट right? तो ये हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हमने एक फॉर्मूला किया है छोटी क्लासेस में ए स्केर माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी राइट अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ठीक है तो ये जो थ्री है इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ इसको अगर मैं अंडर रूट थ्री इंटू माइनस अंडर रूट थ्री कर देती हूँ राइट अंडर रूट थ्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास थ्री की पावर हाफ है इस केस में भी थ्री की पावर हाफ है राइट दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो अगर आप इनको ऐड करोगे ठीक है बेस सेम है थ्री आ गया ठीक है हाफ प्लस हाफ तो ये क्या हो जाएगा ये साथ में माइनस आप एज इट इज रख लोगे सो माइनस थ्री इसका आप एलसीएम ले लोगे, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो टू आ गया ठीक है वन प्लस वन ये क्या बन जाएगा थ्री टू बाय टू कैंसल कर दिया दैट मीन्स कि हमारे पास अंडर रूट थ्री इन अंडर रूट थ्री अगर मैं कर देती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास थ्री ही आ जाएगा राइट right? तो अब ये ये जो मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर राइट right? अब ये जो एक्स स्क् माइनस थ्री है इसको अब हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है सो so, ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट थ्री इंटू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री राइट right? अब इस केस में हम जीरो फाइंड आउट कर सकती है। हमारे पास दो आ गया नेक्स्ट केस एक्स प्लस अंडर रूट थ्री ये भी इक्वल टू इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री आ गया दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास जीरो की ठीक है अब ये जो हमारे पास जीरोज आए हैं ठीक है अब ये वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं इनका रिलेशन बाई सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ़ जीरोज। सो यू कैन राइट सम ऑफ जीरोज। पहले हम क्या करेंगे ये जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट किया है इनको सिंपली एड करके देखेंगे राइट सो so, यहां पे अंडर रूट थ्री है ठीक है सम प्लस करना है लेकिन यहां पे माइनस का साइन है तो ये माइनस अंडर रूट एज इट इज आ गया इक्वल टू जीरो आ गया अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सो सम ऑफ जीरोस फॉर्मुला हमारे पास क्या आता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र राइट अगर मैं देखूं तो ये जो एक्स स्क्र माइनस थ्री है ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है राइट right? और ये हमारे पास एक्स स्क्र है ठीक है टेक्निकली हमारे पास ये जो एक्स स्क्र माइनस थ्री है ये इस फॉर्म में आना चाहिए अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान रही हूँ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अब इसमें प्रेजेंट क्या क्या है हमारे पास एक्स स्क्र प्रेजेंट है ठीक है, B जो है ऑब्वियसली अगर मैं जीरो मानूंगी तो ये टर्म जो है जीरो राइट जीरो right? हमारे पास कांस्टेंट थ्री आ रहा है ठीक है तो वैल्यू क्या आ गई ऑफ x, x हमारे पास कितना है हम जीरो मान रहे हैं सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे माइनस जीरो बायिशियंट ऑफ एक्स दैट इज वन सो जीरोड इक्वल टू जीरो आ गया अब नेक्स्ट हमने रिलेशन देखने के लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब सिंपली पहले तो हम ये दोनों जीरोस जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सो अंडर रूट थ्री इंटू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है हमने ऊपर ही बात की है कि अगर मैं अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री करूंगी तो वो मेरे पास क्या दे देगा माइनस थ्री दे देगा सो माइनस थ्री आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस राइट नाउ नेक्स्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर Right. देखूं तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप वेरीफाई so, है, है. So, हो गया हमारे पास की अगर मैं सिंपली प्रोडक्ट करती हूँ जीरो माइनस थ्री आ रहा है एंड अगर मैं फॉर्मली में वैल्यूज पुट करती हूँ तो वो भी मेरे पास माइनस थ्री ही देगा